मथुरा के थाना राया में कुछ दिन पहले ज्वेलर्स से लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जहां बदमाशों ने ज्वेलर से 7 किलो चांदी और 0.5 किलो सोना लूटा था। जब ज्वेलर्स ने लूट का विरोध किया तो बदमाशों ने ज्वेलर्स मनोज वर्मा के विरोध करने पर उसको गोली मारी थी, जहां अब इलाज के दौरान ज्वेलर्स मनोज वर्मा की मौत हो गई। वहीं पुलिस घटना की जांच में जुट गई है और पुलिस टीम गठित कर दी है। कानून व्यवस्था डेली है, अगर कानून व्यवस्था टाइट होती तो ये आज दिना नहीं देखना पड़ता। और जो है कोई ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, 6:45 बजे की सी घटना है, जो दिन निकल रहा था, कोई ज़्यादा लेट नहीं था। और जो है एक हमारे लिए बदमाश जो चुनौती बना गई इस चीज़ को करके। अच्छा, दावा किया जाता है कि पुलिस लगातार गश्त करती है व्यापारी की सुरक्षा, लेकिन आपको क्या लगता है 6 बजे भी वहाँ पुलिस की गश्त थी? 6 बजे पुलिस की गश्त थी, अब ये हमें जानकारी नहीं है वहाँ थी या नहीं थी, अगर गश्त होती तो ये काम नहीं होता। अब क्या कहेंगे अपने उसके खुलासे के लिए? खुलासे के लिए तो बस यही है कि जो जिन्होंने किया है निर्दोषी, मतलब निर्दोषी तो फंसना नहीं चाहिए और दोषी बख्शना नहीं चाहिए। असली खुलासा होना चाहिए। ठीक, क्योंकि सरकार ने ये वादा किया था, बीजेपी सरकार आई थी कि हम भ्रष्टाचार मुक्त और गुंडागिरी मुक्त हम जो है शासन देंगे, उसके बावजूद ही सबसे पहले मथुरा पैटक हुआ, पहले मैंक शराब था उसको का नाम मर्डर किया गया, और अमर कॉलोनी थी वहाँ पर डबल मर्डर हुआ, और पहले भी इसी चौराहे पर, रामपुर चौराहे पर शैलेंद्र नाम के लड़के को गोली मार कर मारा गया, अभी मनोज को भी गोली का शिकार होना पड़ा। क्योंकि ये पुलिस और शासन प्रशासन की ढिलाई के कारण ये काम हो रहा है। यदि ये शक्ति बढ़ते हैं तो निश्चित तौर से मथुरा में इतना अपराध नहीं बढ़ेगा। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मथुरा में क्या नाम क्राइम का हब बनता जा रहा है, कोई भी कहीं से जब कल पर जेई को भी मर्डर कर दिया था, जिलाधिकारी लुटते हुए बच गए। हाँ, तो आप तभी तो मैं ये बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है जिससे कि इस क्राइम पर रोक लग सके और आम जनमानस अपने को सुरक्षित महसूस कर सके। पर अब कोई भी आदमी अपनी पॉकेट में पैसे लेके चलता है या जेवर लेके चलता है या महिलाएं जेवर लेके चलती है, कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, क्योंकि इससे वह व्याप्त हो जाता है, क्षेत्र में वह व्याप्त होता है। तो निश्चित तौर से ये सरकार की नाकामी है। सरकार यदि इस पर अंकुश लगाए तो निश्चित तौर से मथुरा जनपद जो कृष्ण की नगरी है उसमें रामराज होना चाहिए, वो नहीं है बिल्कुल कतई। ये तो क्राइम का है, मेरठ और गाजियाबाद से भी ज़्यादा यहाँ पर मर्डर हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली कल जो है रात्रि में करीबन 12:30 से 1 बजे के बीच में जो है उनकी डेथ हो गई, डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स जो थे वो किए गए थे मेडिकली, और अभी पोस्टमार्टम शव का हो गया, डेड बॉडी क्रिमेशन के लिए जो है गांव में पहुंच गई है। और जहाँ पे वर्कआउट की बात है तो हम लोग काफ़ी समीप हैं, कुछ लोग से पूछताछ की जा रही है और शीघ्र इसका अनावरण किया जाए। सर, जैसे कि बताया जाता है पुलिस वालों ने उनको भी उनको दिया था, लेकिन वो भी काम लिया जाए नहीं, हम लोगों की तरफ से ब्लड भी दिया गया था और पूरी तरह हम लोग के जो एक प्रयास किया गया था, और लगातार हम लोग परिवारजनों के संपर्क में भी थे, उनसे भी जानकारी प्राप्त की थी कि क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर कोई उनकी इस पॉइंट में जानकारी में आता है कोई बात है, कोई रंजिश इत्यादि चीज़ें। और एज़ फार एज़ दी जो हम लोग की तरफ से सपोर्ट हो सकता था, जैसा मैंने बताया डिस्पाइट दी बेस्ट एफर्ट, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई है, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन थोड़ा सा बढ़ गया था जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाए, और शीघ्र ही जो इस घटना के अंदर दोषी हैं उन लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी।